देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी आयुष नाम के एक लड़के की है। 10वीं क्लास में टॉप करने के बाद उस लड़के के अंदर एक अलग ही उत्साह था, लेकिन अपने घर की कंडीशन के चलते वो ठीक से नहीं पढ़ सका और 11वीं क्लास में पहुँचते पहुँचते उसके पापा की डेथ हो गई। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने सारे सपनों को वहीं त्याग दिया। इंसान की ज़िंदगी में बुरे दौर का आना एक आम बात है, लेकिन इतना बुरा दौर जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। तकरीबन एक महीने तक सब कुछ दुख में डूबा रहा। अब आई उसके पास उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। उसके पापा मम्मी और भाई बहन सभी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे, जिस वजह से वो अब अकेला पड़ गया। काली रात को सड़कों पर घूमना और भयानक रात में डर जैसी चीज को एकदम अपने दिल से निकाल देना उसके बाएं हाथ का खेल बन गया था। वो मौत को अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन किस्मत में मौत भी नहीं थी। इतनी जल्दी उसे मोक्ष भी कहाँ मिलने वाला था। धरती पर अपने पापों को मिटाने के लिए वो भटकता रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने पापा के सपनों को पूरा करने के लिए एक बार फिर उसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार उसकी 11वीं की क्लास थी और वो मन लगाकर पढ़ाई करना चाहता था। एक रात जब आयुष अपने बेस्ट टीचर के घर से ट्यूशन खत्म करके घर की तरफ लौटा, तो उसे रात के तकरीबन 10 बज गए और उस गर्मी के मौसम में आयुष बर्फ के गोले खाने के लिए पास में खड़ी एक रेड़ी के पास खड़ा हो गया, तो उसे पता ही नहीं चला कि आखिर रात के 11 कब बज गए हैं। वो उस रेड़ी वाले अंकल से बातें करने लगा। काफ़ी देर तक उनके बीच बातें चलती रही, लेकिन जब आयुष को लगा कि मुझे लेट हो रहा है, तो वह अपने चाचा के घर की तरफ चल पड़ा। अब इस समय आयुष NH-31 के हाईवे पर था। फिर अचानक आयुष ने देखा कि सड़क के ऊपर कुछ जंगली जानवर एक बच्चे को चारों ओर से घेरे खड़े हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में एक जानवर ने उस बच्चे पर अटैक कर दिया और वो बच्चा औंधे मुँह जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर आयुष को अब गुस्सा आ गया था। तभी उसने कुछ पत्थर उठाए और उन जंगली जानवरों की तरफ फेंकने लगा। फिर कुछ देर के बाद वो सभी वहां से भाग गए और जब आयुष ने उस बच्चे की तलाश की, तो उसे एहसास हुआ कि वो भी यहां नहीं है। आयुष को अब कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि इतनी सी देर में वो भी एक छोटा मासूम बच्चा कहां पर गायब हो गया होगा। और इतने में आयुष की नजर खून से सनी एक बॉडी पर गई। तब तक उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांप उठा था। वो पूरा थरथर कांप रहा था और इससे पहले कि वो उस बॉडी के पास पहुंचता कि एक जोरदार रोशनी चमकने लगी। इस चमकती रोशनी की चमक इतनी ज़्यादा थी कि आयुष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी तेज रोशनी कहां से निकल रही है। तभी उसे अपने सामने की ओर एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी तरफ से इस रोशनी का इस तरह चमकना मुमकिन ही नहीं था। फिर कुछ देर के बाद उस रोशनी का आना बंद हो गया और सामने की ओर पड़ी वो डेड बॉडी भी वहां से गायब हो गई। अंधेरी रातों में पहली बार आयुष को किसी से खौफ लग रहा था। उसका गला सूखने को आया था और डर के मारे वो पूरा पसीने से अब तर हो चुका था। आयुष को ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज के साए में फंस सकता है, और मौका पाते ही आयुष दुम दबाकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी एक तेज गति से आने वाली ट्रक ने आयुष को टक्कर मार दी और वो तकरीबन 10 फीट ऊपर उछलकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा। इस भयंकर हादसे के बाद आयुष का पूरा बदन जख्मी हो गया और उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि वो किसी अस्पताल में है और उस अस्पताल की दीवारों पर धूल के मोटे मोटे धब्बे लगे हुए थे, जिससे ये साफ हो रहा था कि ये कोई आलिशान हॉस्पिटल नहीं बल्कि कुछ अजीब सा खंडर है। उसके बाद जब आयुष की नज़र उस हॉस्पिटल की दीवार पर टंगी हुई घड़ी पर गई, तो उसने देखा कि रात के 12:30 बज रहे थे और उस कमरे में कोई मौजूद भी नहीं था। जैसे आयुष हॉस्पिटल के उस बेड से उठने की कोशिश करने लगा, तो अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ बहुत तेज गति से गुजर गया। वो नीचे झुकते हुए देखने लगा तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गईं। उसका शरीर किसी बिजली की भांति रौंदने लगा। दरअसल उस बेड के नीचे उसी की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर उसका दिमाग ही घूम गया। आयुष का दिल दहल गया, लिहाजा वो उसी वक्त वापस बेड पर लेट गया और वो जानता था कि ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है। फिर इतने में ही दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और जब आयुष की नज़र दरवाजे पर गई, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जिसके हाथ में एक लंबी सी लकड़ी थी और वो धीरे धीरे चलते हुए आयुष की तरफ बढ़ रही थी।
डर की वजह से आयुष अपनी सांसों को थामता जा रहा था। उस औरत के ढंग से आयुष के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। तभी आयुष ने जब उसे ठीक से देखा तो सबसे पहले उसने जो गौर किया वो था उस औरत के कदमों का रंग रूप, उसके पैर जो एकदम से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उसकी मुंडी चारों तरफ घूम सकती थी, उसके चलने मात्र से ही किसी चीज के गूंजने की आवाज आ रही थी। पसीने से लथपथ होने के कारण आयुष के नीचे की बेडशीट भी पूरी गीली हो गई और नीचे तक पसीना टपकने लगा। फिर कुछ दूर और आगे आने के बाद वो औरत आयुष से 2 फीट की दूरी पर आकर खड़ी हो गई। तभी उस औरत ने आयुष को एक अजीब सी आवाज में कहा, बस कुछ क्षण और हैं, उसके बाद तुम मुक्त कर दी जाओगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उस औरत की मनहूस बातों से कुछ पलों के लिए आयुष एकदम हताश हो गया। इससे पहले उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने आयुष की पूरी जिंदगी पलट दी। आयुष के सामने उसके मम्मी पापा और उसकी बहन खड़ी नजर आ रहे थे। ये नज़ारा इतना ज़्यादा इमोशनल था कि उसी वक्त आयुष इमोशनल होकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू अपनों को याद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उस महिला ने आयुष ने घर वालों का गला काट दिया। वो अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने बेड से उठकर उस औरत की तरफ तेज गति से बढ़ने लगा। उसका लक्ष्य वो सामने खड़ी महिला थी जिसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई थी और उसके हाथ और पैरों से लेकर सब कुछ बड़ा और अजीब था। ये कहना गलत नहीं है कि वो एक चुड़ैल थी जिसकी ताकत आयुष की सोच से भी ज्यादा थी। वो अपने माया भ्रम से कभी भी उसे अपने चंगुल में फंसा सकती थी। इस समय आयुष लगातार उस औरत की तरफ बढ़ता रहा जो उसकी मौत बनकर उनके सामने खड़ी थी। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उस अस्पताल की जमीन के अंदर गड्ढे बनने लगे और जमीन अपने आप ही अंदर की तरफ धंसने लगी, जिस वजह से आयुष के पांव एकदम से जम गए। वो अपनी पूरी ताकत लगाता रहा मगर उसके पैरों ने जमीन को एकदम पकड़ सा लिया था। फिर कुछ देर के बाद उस अस्पताल के दरवाजे में किसी और की एंट्री हुई। इस बार दरवाजा खुलते ही एक डेड बॉडी को कमरे के अंदर दाखिल किया गया। डेड बॉडी को पकड़ने वाला सिर्फ एक डॉक्टर था जिसकी लंबी चौड़ी कद काठी और अकेला ही उस बॉडी को संभालने में काफी था। उसके बाद जब वो कमरे में पहुंचा तो एक बार फिर अपने आप को मरा हुआ देखकर आयुष तो पूरी तरह टूट गया। इस बार तो उसकी बॉडी अलग अलग टुकड़ों में फटी हुई थी और साथ ही उसका कलेजा उसके शरीर से अलग किया गया था, शायद इसका पोस्टमार्टम किया गया था। वो चुड़ैल महिला अभी भी आयुष को तिरछी नजरों से घूर रही थी। उसके बाद उस कमरे के अंदर एक अजीब सी बदबू आने लगी और उस बदबू के आते ही वो कमरा एक बार फिर अंधेरे की छांव में डूब गया। वहां की लाइट अपने आप ही फूटने लगी और बस कुछ ही पलों के बाद पूरे के पूरे अस्पताल में पूरी तरह अंधेरा छा गया। उसकी आंखों के सामने काला घोर अंधेरा दिखाई देने लगा जिस वजह से उसकी आंखें बंद हो गई। फिर उसके बाद जब आयुष ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि रोशनी से जगमगाती अजीब सी जगह जहां सफेद सफेद परछाइयां दिखाई दे रही थी जिनमें धुआं निकल रहा था। ये सब देखने में बड़े ही डरावने लग रही थी। आयुष तभी जुबान में बोला, मैं कहां हूं, क्या कोई मुझे बता सकता है? इतने में उसके कान के पास से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। अब तुम्हें सिर्फ अपनी मौत देखनी है क्योंकि यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है, और अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो बाकी लोगों की तरह गलतियां मत दोहराना। आयुष अपने कान के पास आने वाली इस आवाज को समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि लाल कपड़ों में लिपटा एक आदमी जिसकी हाइट करीब 5 फुट की थी, जिसका रंग और आकृति दोनों ही दिखने में बड़ा ही भद्दा लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर काफी सारे कपड़े लपेट रखे थे जिस वजह से आयुष उसका चेहरा ठीक ढंग से देख नहीं पाया। पहली बार आयुष को किसी की बातों पर विश्वास हो रहा था। सड़क से लेकर वो पता नहीं कहां कहां पहुंच गया, लेकिन ये पहला शख्स था जिसने बड़ी गंभीरता के साथ इन बातों को दोहराया। आयुष उसके साथ हाथ जोड़ते बोला, बस मुझे अपने घर जाना है, आप कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए। आयुष की ये बात उस आदमी के दिल तक पहुंच गई और उसके बाद आयुष ने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसका शरीर कांपने लगा। डर की वो तस्वीर उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए छप गई। उस आदमी ने जैसे अपने कपड़े उतारे तो आयुष उसके जख्मी शरीर को देखकर एक पल के लिए उल्टियां करने लगा। उसके शरीर में कीड़े लगे हुए थे, उसका पूरा शरीर गल चुका था जिसके अंदर से एक बहुत खराब बदबू आ रही थी। दूसरी बार जब आयुष ने अपनी बॉडी की तरफ देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ
कि उसके साथ ये सब हो रहा है। दरअसल उसकी बॉडी उसी आदमी के भांति दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने आयुष से कहा, यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद तुम्हें एक हवन नजर आएगा जिसके अंदर कुछ प्रेत लोक के निवासी बैठे होंगे। किसी तरह तुमको उस हवन में बिघन डालना है और अगर तुम इसके अंदर सफल नहीं हो पाए तब तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी और तुम्हें अपने इसी शरीर के साथ यहाँ पर जीना होगा। आयुष ना चाहते हुए भी सामने की तरफ चल दिया। जब तक आयुष उस दूषित हवन के पास पहुंचा तो कटी हुई मुंडी वाले कुछ प्रेत उसके पीछे पड़ गए। उसने मौके का फायदा उठाया और उन्हें उस हवन में बाधा डालने पर मजबूर कर दिया। आयुष तो सफल हुआ लेकिन फिर एक तेज तर्रार रोशनी उसके शरीर पर समा गई और वो दर्द के मारे चीखने लगा। फिर कुछ देर के बाद जब उसे एहसास हुआ कि अब सामने की तरफ से दिखाई देने वाली रोशनी अब आनी बंद हो गई है, तब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वो अस्पताल में था। तकरीबन 3 साल तक वो अस्पताल में भर्ती रहा और फिर जब 3 साल के बाद उसका शरीर वापस रिपेयर हुआ तो उसने तहलका मचा दिया। लगभग 2 साल की तैयारी के बाद वो UPSC के एग्ज़ाम में सफल हुआ और अब वो IPS ऑफिसर बन चुका था। लेकिन उस रात खौफ ने उसके अंदर एक आग चला दी। अपने माँ बाप और पूरे परिवार को गवा देने वाला वो बंदा आज काफ़ी लोगों के लिए एक सीख बन गया। कहते हैं उसके माँ बाप को मारने के पीछे एक बूढ़ी औरत का हाथ था। वो औरत कौन थी और उसका उद्देश्य क्या था और आखिर उसके चंगुल से आयुष कैसे बच गया? दोस्तों ये सब आज भी एक रहस्य बनकर